सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राजधानी के हजरतगंज से लगातार आ रही आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को हजरतगंज परिवर्तन चौक स्थित SBI बैंक की बिल्डिंग में मशीनरी सेक्शन में भीषण आग लग गई। लिफ्ट के मशीन रूम है, लिफ्ट ऑपरेट वहीं से होती है, उसी में आग लग गई थी। और चूंकि वो लिफ्ट को वेल के दिया है, लिफ्ट वहाँ से ऑपरेट होती है, उनके वेंट्स हैं, उनके वेंट के थ्रू धुआं जो है वो नीचे फ्लोर तक आ गया था, तो उसको बुझा लिया गया है। कोई आदमी हताहत नहीं है, आग इससे पूर्ण रूप से कंट्रोल। जानकारी के मुताबिक यह आग मुख्य शाखा के प्रशासनिक भवन में 9वें तल पर लगी है, जिसके बाद कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले राजधानी के ही 2 होटलों में लगी आग के बाद प्रशासन को जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद चौतरफा घिरते हुए प्रशासन ने होटल समेत तमाम जगहों पर आग के सुरक्षा उपकरणों की जांच का आदेश दिया था। हालांकि कुछ दिनों तक चली यह जांच बाद में ठंडे बस्ते में पहुंच गई थी, जिसके बाद अब राजधानी के SBI प्रशासनिक भवन में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस आग में कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो चुके हैं। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। आग बुझने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आग से कितना नुकसान हुआ है। श्यामा हो गई, धोते धोते पाप जगत के क्या थी कैसी हो गई। आओ हम सब मिलकर गंगा से वक बन जाए, गंगा हरी की माँ अभियान को मिलकर सफल बनाए। गंगा को स्वच्छ बनाए, गंगा को स्वच्छ बनाए। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।